एक महत्वपूर्ण समाचार भूज तरफ थी। भूज में बीएसएफ की टीम द्वारा क्रीक विस्तार में पाकिस्तानी बोट जप्त कर भूज बीएसएफ की टीम द्वारा क्रीक विस्तार में पाकिस्तानी बोट झड़पाई है। अत्यार सुधी में कुल 11 पाकिस्तानी बोट बीएसएफ झड़पी पाड़ी है। हरामीनाणा में सुरक्षा वधारी देवामां हेलिकॉप्टर द्वारा छुपायेला पाकिस्तानियों ने शोधी काढ़वामां आवी रहा छे। कमांडोनी त्रण टीम द्वारा पाकिस्तानियोंनी शोधखोळ हाथ धरवामां आवी छे। उल्लेखनीय छे के गईकाले हरामीनाळा विस्तारमांथी 9 जेटली बोटो झड़पाई हती, त्यारे आजे वधु 2 बोट क्रीक विस्तारमांथी झड़पाई छे। अत्यार सुधीमां 11 पाकिस्तानी बोटो बीएसएफे झड़पी पाड़ी छे। तो बीजी तरफ आ तमाम जे संवेदनशील विस्तारों आवेला छे त्यां सुरक्षामां पण वधारो करी देवामां आव्यो छे। तो बीजी तरफ हेलिकॉप्टरनी मदद लई अने छुपायेला पाकिस्तानियों ने शोधी काढ़वामां आवी रह्या छे। वात करीए आ अंगे ज माहिती माटे संवाददाता कौशिक छाया अपनी साथे फोन लाइन पर छे। कौशिक, जे रीते बीएसएफ नी जे कार्यवाही भूज अने कच्छ मां सामे आवी रही छे, शुं वधु विगतो? जी चोक्कस, थी गईकाल थी हरामीनाळा विस्तार मां 11 जेटली पाकिस्तानी बोट झड़पाई छे। त्यारे आ सुरक्षा एजेंसीओ द्वारा हाल कमांडोनी त्रण टीम करवामां आवी छे अने एरफोर्सना हेलिकॉप्टर द्वारा छुपायेला पाकिस्तानीओनी शोधखोळ हाथ धरवामां आवी छे। आजे बीजा दिवसे पण हरामीनाळा વિસ્તારમાં શોધખોળ હાથ ધરાઈ છે અને તેની સાથે સાથે જોવા જઈએ તો જિલ્લા કલેક્ટર પ્રવીણ ડીકેએ પણ આ વિસ્તારની મુલાકાત લીધી છે અને દરિયાઈ સુરક્ષા વધારવા માટેની પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે અને વધારાના કમાન્ડો પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે। હાલ 11 જેટલી પાકિસ્તાની બોટોને કોટેશ્વરના દરિયા કિનારે લાવવાની તજવીજ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે અને હાલ જોવા જઈએ તો જે પાકિસ્તાની બોટોમાં જે ઈસમો સવાર હતા તે હાલ ક્યાં છે તેની પણ તપાસ હાથ ધરાઈ છે। જી ચોક્કસ કૌશિક, માહિતી બદલ આભાર।